वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन दिव्य वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन साई बाबा बनी बाबा बगर निरसा दिव्य वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन दिव्य वचन दिव्य वचन जनों सबको जय यीशु की। मैं प्रभु यीशु के नाम पर आप सभी लोगों का अभिवादन करता हूं और आज का वचन प्रभु ने हमें दिया है और वो ये है उपदेशक ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 12। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा उपदेशक ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 12। प्रभु का वचन कहता है कि मैं जानता हूं कि मनुष्य के लिए सबसे अच्छा यह है कि वह जीवन भर सुखी रहे और आनंद मनाए। यदि वह खा पी सके और परिश्रम करते हुए सुख शांति में जीवन बिताए तो यह ईश्वर का वरदान है। तो बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर का वरदान इंसान के लिए क्या है। ईश्वर का वरदान इंसान के लिए यह है कि यदि वह खा पी सकता है और यदि वह सुख शांति में जीवन बिताता है तो यह उसके लिए ईश्वर का वरदान है। कितने लोग अपने जीवन में आज अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। ये कुछ खाना चाहते हैं लेकिन खा नहीं सकते हैं, कुछ पीना चाहते हैं कुछ पी नहीं सकते हैं, शरीर में अनेक कष्ट हैं, रोग है, बीमारी है। तो प्रभु ये चाहता है कि आप सभी लोगों का कल्याण हो, आपके परिवार का कल्याण हो, आपके बच्चों का कल्याण हो, आपके व्यक्तिगत जीवन में आपका कल्याण हो, आपकी आत्मा नष्ट ना हो बल्कि बचा ली जाए, आप बचा लिए जाएं और आप ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं। क्योंकि ईश्वर जो सदा तक बना रहता है और बना रहेगा, उसमें ना तो कुछ जोड़ा जा सकता है और ना ही कुछ घटाया जा सकता है। तो इसलिए आज मुझे और आपको ये महसूस करने की आवश्यकता है कि मेरे और आपके जीवन में ईश्वर का वरदान क्या है। अगर हम स्वस्थ हैं, चल फिर सकते हैं, अपने कामों को अच्छी तरह से पूरा करते हैं और अपने जीवन में उन्नति करते जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ बाइबल हमें बताती है कि ये ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान मेरे और आपके लिए है। और संत पौलुस इसके विषय में यह कहता है कि आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है। एफेसियों का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 20 कि आप लोगों का निर्माण यूं ही नहीं कर दिया गया है, आपका निर्माण एक ऐसे भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों तथा नबियों और शहीदों की नींव पर खड़ा है। आप जो विश्वास व्यक्त करते हैं ये कोई साधारण चीज नहीं है। इस विश्वास को प्राप्त करने के लिए हमारे पूर्वजों ने ईश्वर पर विश्वास किया, नबियों ने ईश्वर पर विश्वास किया, शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उन्होंने अपना जीवन प्रभु के लिए पवित्र रखा, अपने जीवन को उन्होंने अखंड रखा और वह ईश्वर को सदा समर्पित होकर जीवन जीते रहे। तो इसलिए इनके विश्वास की नींव के ऊपर आपके इस भवन का, विश्वास रूपी भवन का निर्माण हुआ है जिसके कोने का पत्थर है स्वयं प्रभु यीशु मसीह। वो प्रभु जिसने मुझे और आपको बुलाया वो पवित्र है, तो वो यही चाहता है कि हम भी पवित्र बने और हमारे जीवन में हमारे परिवार का, हमारी आत्मा का, हमारी संतानों का, हमारे कामकाज में, सब बातों में हमारा कल्याण हो जाए। यूदस के पत्र अध्याय 1 पद संख्या 21 में पढ़ते हैं कि ईश्वर के प्रेम में आप लोग सुदृढ़ बने रहें।
ईश्वर के प्रेम में आप लोग सुदृढ़ बने रहें। कितने लोग हैं आज प्रेम का अनुभव नहीं करते हैं, आज दुनिया में प्रेम का अभाव है। प्रेम का अभाव होने के कारण लड़ाई झगड़े मन मुटाव असहनशीलता लोगों के जीवन में भरी हुई है। विनम्रता लोगों में नहीं है, एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ईश्वर की आशीष से वंचित रह जाते हैं। तो संत पौलुस लिखता है कि आप ईश्वर के प्रेम में सुदृढ़ बने रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हमारे प्रभु ईसा मसीह की दया आपको अनंत जीवन प्रदान करे। तो हर एक मसीह को इस बात का इंतजार करते रहने की आवश्यकता है कि कब यीशु मसीह हमारे जीवन में अपना अनंत प्रेम प्रदर्शित करेगा। योहन का तीसरा पत्र पद संख्या 2 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर पुनः एक बार अपनी इच्छा व्यक्त करता है और यह कहता है कि सब बातों में तेरा कल्याण हो, आत्मा की तरह शरीर भी तेरा स्वस्थ रहे। मुझे इस बात का आनंद हुआ है कि मेरे बच्चे सत्य के मार्ग पर चलते हैं। पुनः एक बार दोहराना चाहूंगा, योहन का तीसरा पत्र पद संख्या 2, प्रभु की इच्छा आपके विषय में यह है कि आपका सब बातों में कल्याण हो जाए। जैसे आपकी आत्मा स्वस्थ है, आपका शरीर भी स्वस्थ रहे। तो इसलिए संत पौलुस लिखता है कि मुझे इस बात का आनंद हुआ है कि मेरे बच्चे सत्य के मार्ग पर चलते हैं। प्रभु इसलिए आनंदित है, वो इसलिए आप लोगों को देखकर खुश रहता है। जब आप उसकी हजूरी में आते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसके प्रेम में आप बने रहते हैं, तो प्रियजनों वो आपको देखकर खुश होता है, क्योंकि वचन कहता है कि उसकी आंखें सब कुछ देखती हैं। हमारे घर की चार दीवारी निरंतर उसकी आंखों के सामने है। वो किसी से पक्षपात नहीं करता है, परंतु वो यही चाहता है, हमारे विषय में उसकी इच्छा यही है कि हमारा सब बातों में कल्याण हो, हमारे परिवारों का, हमारे कामकाज में, हमारी सेवकाई में, हमारे बिजनेस में, दफ्तरों में, संस्थाओं में, जो भी कार्य हम करते हैं उन सब में हमारा कल्याण हो। तो परमेश्वर ने निश्चय ही आपके लिए योजनाएं बनाई, और ये योजनाएं आपको पूर्ण बनाने के लिए, ये योजनाएं आपको दृढ़ बनाने के लिए, ये योजनाएं आपको उन्नति देने के लिए, ये योजनाएं आपके जीवन में प्रेम का संचार करने के लिए, ये योजनाएं आपके जीवन में जब दुख आते हैं तो आप उनमें आनंदित रहें, आप कष्ट में रहने के बावजूद ईश्वर की दया को अनुभव करें। प्रभु इसने ये योजना बनाई है, आपके घर, आपके बच्चे और आपके खेत खलियानों में उन्नति आए, प्रभु ये योजना आपके जीवन में के लिए बना के बैठा है। और सबसे बड़ी योजना वो चाहता है कि तेरा कल्याण हो जाए, दैट यू बी सक्सेसफुल, दैट यू एंजॉय योर लाइफ। आप अपने जीवन में अपने इस पवित्रताई का अनुभव करते हुए ईश्वर की आशीष को ग्रहण करें। तो परमेश्वर की इच्छा आप लोगों के विषय में यह भी है कि आप उन्नति करें, आप उन्नति करें। परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में यह भी है, परमेश्वर आपको हमेशा हमेशा के लिए ब्लेस करना चाहता है। एवरी डे ही वॉन्ट्स टू अनॉइंट यू, एवरी डे ही वॉन्ट्स टू ब्लेस यू। वो हर दिन चाहता है कि जब तू कष्ट में रहता है, चिंता में रहता है, वो तुझे सांत्वना प्रदान करे। और वचन के द्वारा वो हमें सांत्वना प्रदान करता है, क्योंकि वो आशीर्वाद देने वाला परमेश्वर है। ही इज द लॉर्ड हु ब्लेसेस एवरीवन, जो अपनी आशीषों को दिन रात लोगों के ऊपर बरसाता रहता है। और यीशु मसीह ने ऐसा तमाम लोगों के जीवन में किया। अर्धांग रोगी के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो उसने वो उसे चंगा किया। जकेउस के विषय में जब हम पढ़ते हैं, महासभा के अधिकारी के विषय में हम पढ़ते हैं, जितने भी लोग प्रभु के चरणों में आए, प्रभु ने सबको ब्लेस किया, आशीष दी, खाली हाथ किसी को नहीं लौटाया। लुकस के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 1-10 में हम पढ़ते हैं जकेउस की कहानी। जकेउस नाटेकद का व्यक्ति था और वो अपने जीवन में
हर प्रकार की बुराई, विशेष तौर पर लोगों को ठगना, उनका शोषण करना, बाइबल हमें बताती है कि ये उसके जीवन में था। तो उसको एक दिन इच्छा हुई, उसने यीशु के विषय में सुना था कि कोई महान व्यक्ति, कोई महान नबी और गुरु जो लोगों को चंगा करता है, उसको देखना चाहता था। हालांकि जकेउस के पास सब कुछ था, धन दौलत, उसका घर हर चीज से भरा हुआ था, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। तो एक दिन वो देखना चाहता था कि यीशु कैसा दिखता है, क्योंकि लोगों की भीड़ यीशु के पीछे चलती थी और वह लोगों को चंगा करते थे। तो एक दिन जब जकेउस ने इच्छा जाहिर की कि यीशु को देखना है, मुझे यीशु को देखना है, तो उनके रास्ते से होकर जब वो आगे बढ़ता है तो गुलर के पेड़ पर चढ़ के बैठ जाता है, वहाँ पर अपने आप को पत्तों में छिपा लेता है और यीशु को देखने का प्रयास करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, वो आपका भाग्य पलट सकता है, उसमें इतना सामर्थ्य है। और उसने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने देखा कि कोई व्यक्ति सच्चे हृदय और सच्ची आत्मा से उसे खोज रहा है परमेश्वर को, तो उसकी नजर उस व्यक्ति पर पड़ी। प्रभु यीशु ने सारी भीड़ को नजरअंदाज कर दिया, सारी भीड़ को नजरअंदाज करके जकेउस की ओर अपनी आंखें उठाई और कहा, जकेउस नीचे आओ, मैं तुम्हारे घर में आना चाहता हूं, मैं तुम्हारे घर में आना चाहता हूं। उसने आओ नहीं देखा, ताओ नहीं देखा, वो नीचे उतरा। उसने अपने घर में यीशु का स्वागत किया। यीशु ने शायद उससे और भी बहुत सारी बातें की होंगी और कहा होगा, जकेउस यूं ही पेड़ पर चढ़कर ताकते रहने से तेरा कल्याण नहीं होगा, मैं चाहता हूं कि तेरा कल्याण हो। अगर तू मुझे अपने घर में लेकर जाएगा, अगर तू मुझे अपने घर में स्थान देगा, अगर तू मुझे अपने घर में मेरा आदर करेगा, तो तेरा कल्याण अवश्य होगा। जकेउस यहां पर पेड़ पर बैठे रहकर मुझे देखते रहने से तेरा कुछ नहीं होगा, मुझे तेरे घर में आना पड़ेगा, तभी तेरे घर की गंदगी दूर होगी, तभी तेरे जीवन में कल्याण आएगा, मोक्ष आएगा, मुक्ति आएगी। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही यीशु जकेउस के घर में पैर रखते हैं, जकेउस बोल उठता है कि मैंने जिसको ठगा था उसका 4 गुना वापस लौटाता हूं, मैं अपनी संपत्ति का आधा भाग लोगों के बीच में बांट दूंगा। प्रभु ने कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि उसके जीवन में धन एक बाधा थी। वो हर समय लोगों को ठगना, धन एकत्र करने की बात सोचता था, इसलिए उसके मन में शांति नहीं थी, उसके मन में संतुष्टि नहीं थी। इसलिए वो सोचता था कि एक साधारण व्यक्ति जिसके पीछे लाखों की भीड़ चली रहती है, वो कितना महान होगा, कैसा होगा, आखिर उसके जीवन में क्या है, मैं देखना चाहता हूं। और जकेउस गया और उसने देखा, उसने यीशु को बुलाया और यीशु उसके घर में गए और उसके घर में मुक्ति का आगमन हो गया। इसलिए प्रियजनों, प्रभु का ये वचन आज मेरे और आपके लिए स्पष्ट करता है। एक एक व्यक्ति का नाम लेकर प्रभु कह रहे हैं कि तुम्हारा यूं ही हालेलुया बोलते रहने से कुछ नहीं होगा, मुझे तुम्हारे घर में आकर रहना पड़ेगा। और जब प्रभु यीशु हमारे जीवन में आता है, तो स्वाभाविक है कि मैं और आप अपने जीवन में उस गंदगी को साफ करेंगे, प्रायश्चित करेंगे, प्रभु के वचन को हम ग्रहण करेंगे और मुक्ति हमारे घर में आ जाएगी। वचन हमें, बाइबल हमें देती है सूक्ति ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 12 कि ईश्वर के आशीर्वाद से ही व्यक्ति धनी बनता है, ईश्वर के आशीर्वाद से ही व्यक्ति धनी बनता है। जकेउस के जीवन में सब कुछ था, लेकिन ईश्वर के आशीर्वाद से वो वंचित था। उसके पास धन था, लेकिन असली धन नहीं था, और असली धन स्वयं प्रभु यीशु है, जिसने धनी होने के बावजूद अपने आप को उसने निर्धन बना लिया था, कि मैं और आप धनी हो जाएं, जिससे मैं और आप धनी हो जाएं। तो आज यदि हम चाहते हैं कि प्रभु हमें ब्लेस करे, हमें आशीष दे, हमारे घर में मुक्ति आए और हमारा कल्याण हो, तो प्रियजनों, योहन का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या
33 वचन में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 33, मैंने तुम लोगों से यह सब इसलिए कहा कि तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। तो प्रभु इस वचन के द्वारा हमें यह सांत्वना देता है कि यीशु ने इस संसार पर विजय पाई है, इसलिए प्रभु ये कहता है कि मैंने तुम्हें यह शिक्षा इसलिए दी है क्योंकि तुम धीरज रखो, धैर्य रखो। इस संसार में रहते समय तुम्हें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ेगा, तुम्हें अनेक क्लेशों का सामना करना पड़ेगा, अनेक अत्याचारों से होकर गुजरना पड़ेगा, परंतु याद रखना मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ, और यह भी याद रखना कि मैंने संसार पर विजय पाई है। इसलिए बाइबल हमें बताती है, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 19 में हम पढ़ते हैं कि देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ, मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ और वह प्रारंभ हो चुका है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं देखते? मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा और उजाड़ प्रदेश में पथ तैयार करूंगा। जंगली जानवर, गीदड़ और शुतुरमुर्ग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि मैं अपनी प्रजा की प्यास बुझाने के लिए मरुभूमि में जल का प्रबंध करूंगा और उजाड़ प्रदेश में नदियां बहा दूंगा। ये वचन आज मेरे और आपके जीवन में पूरा हो जाए। अनेक बार हमारे जीवन में कष्टों के कारण, परेशानियों और चिंताओं के कारण हमारा जीवन निरुत्साह हो जाता है, मरुस्थल के जैसा हो जाता है, मरुभूमि के जैसा हो जाता है। तो प्रभु ये कहता है प्रियजनों कि मैं तुम्हारे इस उजड़े चमन में फिर से हरियाली ला दूंगा, मैं देखो नया बना दूंगा, क्योंकि मैं वो परमेश्वर हूं जो सब कुछ नया बना देता हूं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ये कहता है कि मैं वो प्रभु हूं जो सब कुछ नया बना देता हूं। इसलिए अगर कोई यीशु में है तो संत पौलुस कहता है वो नया है। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17, संत पौलुस कहता है कि अगर कोई मसीह में आ गया है, अगर कोई मसीह को पहचान गया है, तो वो नई सृष्टि बन गया, पुराना सब कुछ समाप्त हो गया, पुरानी बातें सब बीत चुकी हैं और नया उसने शुरू कर दिया है। और प्रभु कहता है देखो मैंने वो शुरू कर ही दिया है, शुरू कर ही दिया है। इसलिए प्रियजनों आज का ये वचन जो प्रभु ने हमें दिया हमारे जीवन में पूरा हो जाए। हम इस बात को अपने जीवन में आत्मसात करें कि हमारे जीवन से हम सब कुछ पुराना त्यागने की कोशिश करें। जब तक हमारे जीवन से पुरानी बातें नहीं जाएंगी, तब तक हम अपने जीवन में यूं ही कष्ट में जीवन बिताते रहेंगे। तो कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 8 पद संख्या 9, उसकी निर्धनता से हम धनी बन गए। वो धनी था लेकिन उसने अपने आप को क्या कर दिया, निर्धन बना दिया। इस कदर निर्धन बना दिया कि उसके शरीर के सारे वस्त्र भी उससे उतार लिए गए और उन्हें निर्वस्त्र करके क्रूस पर चढ़ा दिया गया। उन्हें मारा गया, थूका गया उनके मुख पर, घूंसे मारे, लात, कोड़े, जो कुछ जल्लादों से हुआ उन्होंने सब कुछ किया। और वो कराहता रहता था, उसका चेहरा जो इतना सुंदर था, स्वर्गदूत जिसे देखने के लिए तरसते थे, प्रियजनों इतना कुरूप हो गया था कि अब वो गंदा हो गया था। उसने अपने आप को निर्धन किया, उसने अपने आप को गरीब कर लिया ताकि उसकी निर्धनता से आप और मैं धनी बन जाएं। इसलिए बाइबल आज के विषय में एक अंतिम वचन मैं आपसे साझा करना चाहूंगा, सूक्ति ग्रंथ बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 20 वर्स 30, प्रहार घाव की बुराई को दूर करता है, मार खाने से अंतरतम शुद्ध होता है। जानते हैं बाइबल क्या कहती है कि अगर हमारे शरीर पर कोई प्रहार हो जाता है तो उसका जो घाव है वो बुराई को दूर करता है। जो ताड़ना हमें मिलती है उससे बुराई जीवन में दूर होती है। अगर बच्चे को छड़ी लगाई जाए तो वो बुराई से शायद दूर रहेगा, वहीं पर मार खाने से अंतरतम शुद्ध होता है। यीशु ने मेरे और आपके लिए मार खाई ताकि मेरा और आपका अंतःकरण, आत्मा, हमारा अंतरतम शुद्ध हो जाए। क्या आप बुराई में जी रहे हैं? क्या आप एडिक्शन में हैं? क्या आप नशे में हैं?
क्या आप व्यभिचार में हैं या किसी प्रकार की ऐसी अश्लील हरकतों में हैं जिसकी वजह से आशीष से आप वंचित हैं? यदि ऐसा है तो पुरानी बातें जाने दीजिए, पुराना सब कुछ उतार कर फेंक दीजिए। अगर आपने मसीह को धारण किया है तो आप नए बन गए हैं, और अगर कोई व्यक्ति नया बन गया है तो पुराना सब कुछ समाप्त हो गया है। प्रभु हमें आशीष दे, आज का वचन मेरे और आपके जीवन में 100 गुना फल लाए और हमारे जीवन में उद्धार आए। आमीन।